नेपाल के भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी आगे आया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हमीरपुर इकाई ने 8,000 रुपए की राहत राशि उपायुक्त के माध्यम से नेपाल भेजी है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने लारजी में जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि सरकार द्वारा वाटर स्पोर्ट्स को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सैंज में लड़कियों की शिक्षा को महत्व देते हुए महाविद्यालय खोलने की घोषणा की और बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा अधिकतर महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लड़के और लड़कियां घर के पास ही अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। हमें ये सारे जो कॉलेज हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में खोले हुए हैं ताकि वहाँ पर जो बच्चे हैं खासकर लड़कियों को ध्यान में रखते हुए ये कॉलेज खोले जाते हैं। मेरा तजर्बा है कि जहाँ हम इंटीरियर में ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कॉलेज खोलते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो लड़कियों को होता है। उनमें लड़कियाँ जाती है लड़के कम है और वही पढ़ेंगे धीरे धीरे और लड़कियों को पढ़ना बहुत जरूरी है क्यों लड़कों को तो लोग दूर भी भेज देते हैं दूसरे शहर में भेज देते हैं मगर लड़कियों को लड़कियाँ वहीं तक पढ़ सकती है जहाँ तक कि 10+2 की सुविधा है। वहां से आगे अधिकांश लड़कियां जो है घर में बैठ जाती है और गांव के अंदर कॉलेज खोलने से ये फायदा होता है कि उन लड़कियों को भी पढ़ने का मौका मिलता है। ये और आपने यहाँ मैं शहर में इस साल के कॉलेज सब खत्म है मगर मैं कहता हूँ कि अगला जो सेशन शुरू होगा उसमें सेंट के लिए कॉलेज मंजूर किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।